कि ऐसा ड्रीम है ना कि ऐसी जिंदगी ना आपने इससे पहले कभी जी होती है ना इसके। लड़की अगर आईटी में चले जाएगी उनका स्तर यहाँ पहुंचेगा, लड़की अगर आईटी में सेट होगी ना उसका स्तर दीवार फाड़ के ऊपर चला जाएगा। तुम्हारे घर वालों के पास अच्छी सोच भी थी इसलिए उन्हें तुम्हें भेजा। आप सिर्फ सिलेक्ट, एक छोटी सी कमी रह गई ना तो भी सिलेक्ट नहीं हो गए। सिर्फ एक बच्चा था जिसको खूब इंटेलिजेंट था, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पर मैंने उसको उसकी रैंक आई, मतलब मान ले कि शांत क्लास में कोई ऐसा सवाल नहीं होता था जो उसे नहीं आता था। आईआईटी में उसकी उम्मीद थी हमें कि उसकी रैंक आएगी अंडर 200 अंडर 500, उसकी रैंक आई 7,500। कितनी आई? 7,500। धीरे 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 जब बहुत डीप डाइव कर रहे उसे बात करा, उसकी एक छोटी सी मिस्टेक थी, वर्ड्स पर मिनट। वर्ड्स, उसकी रैंक क्यों आई 7,500 में तुम्हें बताता हूं पीछे। एक्चुअली उस साल ऐसा हुआ कि पेपर में पहली बार पैराग्राफ लॉन्च हुए। क्या लॉन्च हुए? उस बच्चे की किस्मत खराब थी। आपको पता हो तो जेई क्या बहुत ऐसी सुंदर कन्या है जो कभी भी पलट सकती है। सच्चा ही बात है, ऐसी सुंदर कन्या है जिसे जो कभी भी पलट सकती है। कितनी अपनी बात हो रही है, मैं भी कभी भी पलट जाती हूं। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, शक्लें देख के लग रहा है वैसे होगी नहीं, है ना? शक्ल देख के लग रहा है, बट अगर फिर भी किसी की हो तो उसको बोलना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं किसी का, है ना? तो अगर हो तो उसको बोलना है कि अपन एक साल बाद मिलेंगे। कितने साल बाद? सेलेक्ट होने के बाद, है ना? मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें किसी भी बात के लिए, ऐसे नहीं घर जाके बोल दो सर ने बोला था गर्लफ्रेंड तो रख सकते हो, बस एक साल बाद मिल लेना, है ना? खैर उसमें नहीं बता रहा हूं, मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू, अभी तुम्हारा मन भटकेगा उस पर, मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता हूं। पर 2% बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जिनका लड़की लड़की की वजह से भविष्य खराब हो जाता है। 1% बच्चा ऐसा होता है, है ना? तो उन 1% में अपन होने, मैं किसी भी रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ, डोंट वरी, मैं कोई रूढ़ीवादी पिताजी नहीं हूँ तुम्हारा या माताजी नहीं हूँ, तो तुम्हें इस बात की बोलना। बट द पॉइंट इज, मैं बच्चों को एक बहुत लॉजिकल बात बोलता हूँ जो शायद आपने सुनी भी होगी, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ। आपकी भावनाओं की कदर तब होगी जब अपने पास अच्छी डिग्री। आज आदित्य घर पे जाए और पापा से बोले पापा मुझे लड़की पसंद है, तो चाटा मारेंगे जोर से एक। अब आदित्य की सोचो, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चला गया, गूगल में इसकी नौकरी लग गई है 1 करोड़ रुपए की, ये 4th ईयर में है, अपने पापा के पास जाता है, पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, ये भी मेरे साथ मेरी कंपनी में। इसके पिताजी बोलेंगे ओके, इट्स अ ट्रुथ। तुम्हें बात हंसी लग रही हो? अरे यस और नो? इट्स अ फैक्ट। भावना है आदित्य की तब भी वही थी भाई, और तब भी वही होगी, बल्कि आज तो फिर भी शायद ज्यादा निश्चल होंगी। पर द पॉइंट इज कि आज आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जब आप कुछ बन जाते हो तो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं है। अरे यस और नो? उस बात को आप समझिए। भाई साहब अभी मैं छोटी जाता रहा आपको, मैं एक दिन अपने बच्चों को लेके स्कूटर पे निकल गया उस पर और गोलगप्पे खाने चला गया, तो कोई मिला, अरे आप स्कूटर पे चलते हो क्या? मैंने कहा मैं तो बचपन से चल रहा हूं, तू पहली बार देख रहा। उनका परसेप्शन समझो आपकी, यार ये भी स्कूटर पे। मैं आपसे बोलना चाहूं, आपकी भावनाओं की कदर तब होगी जब आपके पास अच्छी डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? इस बात को अपन गड़बड़, इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अपने को 3 चीजों से बहुत दूर रहना है। लड़के लड़की, क्या चीज? लड़के लड़की, नशा। 0.01% बच्चे इसमें भी लग जाते हैं, 0.01 ही होते हैं, पर फिर भी इसलिए बोलो इस ट्रैक पे अपने को। दूसरा नशा है गेम्स का, मोबाइल गेम्स। किसका? इसका ध्यान रखना है। मोबाइल पहले भी बोला था अभिशाप भी हो सकता है, और उसको ऐप को यूज करो ढंग से सारा काम करो तो वरदान है, और गेम खेलने लग जाओ तो। लड़की के और लड़के के चक्कर में अभी अपने को पढ़ना नहीं है, थोड़े दिन दूरी बना के रखनी है। अभी क्या तुम टीन एज में हो, तुम्हारे हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट होते हैं कि तुम्हारा मन सुंदर कन्या देख ले। सच्चाई है, अभी कोई तुम्हें लड़की 4 दिन तक मुस्कुरा के देख ले, 5वें दिन तुम्हें नींद, अनुभव से कह रहा हूं। सच्चाई है, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूं, डोंट वरी। अभी मैं खुद के कॉलेज गया था, ITBHU, आपने देखा हो तो शायद, तो मेरे वहां एज ए टेक्निक से बोले, इट इज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी। 16 साल बाद अपने कॉलेज में गया, क्या सम्मान मिला, जिसमें सबसे पीछे बैठता था मंच पर सम्मान मिल रहा है। 1.5 घंटे तक मैंने उन्हें समझाया, टेक्निक्स हो रहा था। तो आप आईटी बॉम्बे के मुडाई को देखो, आप भूल जाओगे, मुडाई के बारे में सुना है? देखना उसको, ऐसी जगह जाओ, मतलब 4 साल ऐसे होते हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं 20 दिन और रुक जाऊं कॉलेज में। आईटी ऐसा ड्रीम है ना भाई साहब, जो मैंने तो जिया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा ड्रीम है ना कि ऐसी जिंदगी ना आपने इससे पहले कभी जी होती है ना इसके, मतलब दोस्ती नहीं करनी, करनी नहीं दोस्ती,
तुम बोलोगे इसमें क्या है सर दोस्ती करने में, अभी तुम्हारा मन चंचल है ना, भटक सकते हो, तो जिस राह में भटक सकते हो उधर, बस सिंपल सी बात ये। लड़कियां हैं, अपने लड़कियों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अपन लड़कियां हैं, मैं लड़कियों में दो अंतर आपको समझाता हूं, ऑल्दो ऐसी कोई लड़की मुझे दिखी नहीं रही, बट द पॉइंट इज कि लड़कियों में एक समस्या तो नहीं बोलूंगा, एक लड़कियां अच्छी दिख सकती हैं लड़कों से, ये फैक्ट है, यस और नो? लड़कियां अच्छी, जब लड़कियां अच्छी दिखती हैं तो उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है, और हम जीवन में मैक्सिमम काम अप्रिसिएशन के लिए करते हैं, अरे यस और नो? आईटी डिग्री ये सब, क्योंकि हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ यार अच्छा आदमी है, अच्छा कमाता है, अच्छा ये है, लड़कियों को बहुत आसानी से मिल सकता है। अभी उस ट्रैक पे हमें जाना, सोच के देखिए, आप ये आईटी बॉम्बे चली जाए, गूगल में चली जाए और फिर ये सुंदर भी दिखे तो क्या चार चांद लग जाएंगे? खाली सुंदर दिखने से बात बनने वाली, ये चीज ढलेगी समय के साथ। व्हाट विल स्टिक टू यू इज योर क्वालिफिकेशन, योर कैपेबिलिटी, यस और नो? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू especially girls is that you need to be dressed smartly but not in a fashion where you want people to see you. I think you got the difference, yes or no? Yes, sir. हम smartly dressed होने चाहिए, ये एक अलग aspect है, but हम इसलिए dressed हो कि लोग हमें देखें, ये दूसरा aspect है। हम पहले aspect के लिए तैयार होंगे, got my point? Yes, sir. For a year, जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो जो करना। और मैं लड़कियों के लिए स्पेशली कह रहा हूं, लड़कियों के लिए, लड़कियों का, अगर लड़कों का स्तर यहां है ना, और तुम्हारा भी आज यहां है, लड़की अगर आईटी में चले जाएगी उनका स्तर यहां पहुंचेगा, लड़की अगर आईटी में सेलेक्ट होगी ना उसका स्तर दीवार फाड़ के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 10% लड़कियां होती है भाई। एक तो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एक लड़की पे 10 लड़का, सच्चाई है। जॉब इनको जल्दी मिलती है, सबसे जल्दी लड़कियों को जॉब मिलती है भाई, हर कंपनी का रूल होता है इतने परसेंट लड़कियां होंगी, अरे है ही नहीं आईटी में उतनी। हमारे टाइम पे एक लड़की थी, हमारे टाइम पे ड्रीम जॉब हुआ करती थी जिसकी 10 लाख से ऊपर नौकरी लगती है, हमारे टाइम पे, मेरी दो जॉब लगी थी सॉफ्टवेयर में, तो ड्रीम जॉब होती थी जिसकी 10 लाख से ऊपर नौकरी लगे। और भाई साहब एक लड़की थी, एक कंपनी एनवीडिया, सुना है तुमने, गेम्स बनाती है वो कंपनी, आई रिटर्न हुआ उस लड़की का हुआ ही नहीं, वो उन इंटरव्यू वालों के पास गई, सर आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी, उन्होंने बोला ओके, She got the job. रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, लड़कियों का स्तर, लड़कियों की लाइफ तो यूटर्न ले लेगी, यूटर्न मतलब डिफरेंट जोन पे। प्लीज, तुम्हारे घर वालों के पास सिर्फ पैसा नहीं था लड़कियों, तुम्हारे घर वालों के पास अच्छी सोच भी थी, इसलिए उन्हें तुम्हें भेजा। क्या तुम्हारे शहर से हर लड़की आ पाई क्या? नहीं, तुम्हारे लड़कों के लिए भी कह रहा हूं, लड़कियों के लिए तो अलग ही बात है, तुम्हारे शहर से हर लड़का कोटा, इसे बेकार मत होने देना। मैंने भले पूरा लेक्चर आज समझाने में निकाल दिया है आपको, बट क्या ये मेरी बातें आप याद रखोगे? लड़कियों, जी जान से मेहनत करनी है, डिप्रेशन में आने की जरूरत, हिम्मत से काम करेंगे, हिम्मत से।